वेलकम ऑल, आई होप आई एम ऑडिबल। हुड्डाक चतुष्पाद हम देखने जा रहे हैं आज। निर्देश चतुष्क में हम ने प्रवेश किया हुआ है। ब्राह्मी बुद्धि किसे कहते हैं? एनी वन ऑफ यू, ब्राह्मी बुद्धि किसे कहते हैं? वी आर गोइंग टू सी सम इम्पोर्टेंट एंड वेरी वंडरफुल एस्पेक्ट्स टुडे विच विल टेक योर प्रैक्टिस टू अनदर लेवल एंड योर इंक्रीज योर लाइवलीनेस ऑल्सो एंड मेनी अदर बेनिफिट्स टू। स्पेशल रिवॉर्ड टू वन हू आंसर दिस क्वेश्चन, ब्राह्मी बुद्धि किसे कहते हैं? सोनाली मैम इज टेलिंग इनबॉर्न इंटेलिजेंस इस अध्याय में दिया हुआ है। एनीवन टू द काउंट ऑफ फाइव जो टाइप करेगा उसे स्पेशल प्राइज मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5। नो वन, नो प्रॉब्लम। हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या है ब्राह्मी बुद्धि। तो पहले नाइस अटेम्प्ट बाय एवरीवन। कोई कह रहा है पुस्तक की ज्ञान, कोई कह रहा है ब्रह्म ज्ञान जिसको हो, जो पेशेंट के सब कुछ ना बोलने पर भी जान जाए। गुड अटेम्प्ट बट द एक्चुअल मीनिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इट। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक नाउ एंड बिगिन विद आर ओरिजिनल टॉपिक। हुड्डाक चतुष्पाद की पहली दो पंक्तियां चक्रपाणी टीका की पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ चतुष्पादनंतरम स्वस्थ आतुर्योर उभयोर अपि हितत्वेन निर्देश चतुष्को अभिधीयते। स्वस्थ आतुर हितम वैद्य भेषजादि निर्दिशति इति निर्देश चतुष्कः। समझेंगे, स्वस्थ चतुष्कानंतरम स्वस्थ आतुर, स्वस्थ आतुर योः उभयोर अपि हितत्वेन। स्वस्थ चतुष्क हमने देख लिया, उसके बाद स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए जो हितकर है ऐसा निर्देश चतुष्क में विधान किया हुआ है। स्वस्थ आतुर हितम वैद्य भेषजादि निर्दिशति इति निर्देश चतुष्कः। स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए वैद्य भेषजादि यानी कि भिषक वैद्य रोगी और आतुर और परिचारक, इन चारों की तरफ निर्देश किया गया है। अतः इस अध्याय का या इस श्रृंखला का चार अध्याय जो है उसका निर्देश चतुष्क इससे अभिधान किया हुआ है। इन सब में भी तत्रापि स्वस्थ आतुर हितेषु प्रधान भूत चिकित्सा अंग वैद्यादि पाद चतुष्टय अभिधायकत्वे हुड्डाक चतुष्पादो अभिधीयते। इन स्वस्थ आतुर के हितकारकों में भी प्रधानभूत चिकित्सा के अंग वैद्य आदि पाद चतुष्टय के अभिधायक स्वरूप से हुड्डाक चतुष्पाद कहा जाता है। स्वस्थ आतुर में हितकारक अनेक चीज है, उसमें भी प्रधान कौन है? तो वैद्य आदि है। इन सब में भी प्रधान कौन है? तो प्रधानम अत्र भिषकम। और खुड्डाक शब्द अल्प का वाचक है, क्योंकि आगे का जो अध्याय है महाचतुष्पाद, इन रिलेशन टू दैट ये अल्प है, इसलिए यहाँ पर खुड्डाक चतुष्पाद आया हुआ है। जैसे कि खुड्डी का गर्भाव क्रांति शारीर स्थान में आया हुआ है, वहां पर भी खुड्डिका का अर्थ अल्प ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने इस अध्याय में धातु साम्य या आयुर्वेद का प्रयोजन है, इसके लिए ही वैद्य प्रवृत्त होता है, इसलिए धातु वैषम्य क्या है ये भी समझना जरूरी होगा। इसे फोर्थ जो श्लोक है दैट इज इम्पोर्टेंट, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख सौदिकम आरोग्यम विकारो दुखमेव। यहाँ पर सेवेंथ लाइन जो चक्रपाणी टीका की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही मैं हाईलाइट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो बाद में आप पढ़ भी सकते हैं जाकर। सौदिक ग्रहणात् परमार्थ तो असुखम अपि लोके सुखम इति यद व्यवहार्यते तद यह गृह्यत इति दर्शयति। सुख सौदनेकम आरोग्यम ऐसा बोला है, तो सौदनेक शब्द का क्या अर्थ होता है ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। सौदनेक शब्द के ग्रहण से वास्तव में असुख भी लोक में जो सुख व्यवहित होता है यानी कि माना जाता है वह लिया जाता है। अगेन आई रिपीट, सौदनेक शब्द से सौदनेक ग्रहणात् परमार्थ तो असुखम अपि, वास्तव में जो असुख है, वास्तव में जो दुख है उसको भी लोक में सुख इस नाम से ग्रहण किया जाता है। कहने का तात्पर्य उनका ऐसा है कि हम जिसे सुख कहते हैं वो भी वास्तव में परमार्थतः यानी कि एट द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इट इज दुख ओनली। ओके, लेकिन फॉर आर कंसिडरेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको अरुंधति टीका का रेफरेंस देकर कि दो प्रकार का सुख होता है, लौकिक सुख और पारमार्थिक सुख। हम लौकिक सुख, जो हमें सुख मिलता है या जो हमें फीलिंग महसूस होती है उसको ही हम सुख मानते हैं, जबकि इट इज दुख एट द लेवल ऑफ परमार्थता, एट द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इट इज दुख ओनली।
ओके सो हमें यह समझना है कि जो हम सुख की प्रवृत्ति कर रहे हैं वो तो सुख है ही, लेकिन उससे बेटर ब्लिसफुल फीलिंग हमें चरक का अध्ययन करने से, चरक को फील करने से और चरक के डीप लेवल तक जाने से समझ में आ सकती है। वस्तुतः तो दोष धातु मल इन 17 चीजों को समझने मात्र से भी बहुत हद तक चिकित्सा हो जाती है। फिर इतना चिकित्सा के डीप में क्यों जाए, इतना ग्रंथों को क्यों पढ़े, ऐसा कभी कभी प्रश्न पड़ सकता है। तो इसका कारण यही है कि प्रज्ञा विशुद्धि होती है, जितना आप डीप जाते हो उतनी आपकी प्रज्ञा विशुद्धि होती है, और जितनी प्रज्ञा विशुद्धि होती है उतना चरक सूत्र 25 में कहा है तत्वा वो बोधो हर्षणाना, उतना आपका तत्व का आलोकन अच्छे सही सही से आप लॉजिक लगा पाते हो। और जब आप किसी चीज का सही से लॉजिक लगा पाते हो, मुझे इस पेशेंट में यही कारण से यही उपशय मिला है, तो जो सुख होता है उसे हर्ष कहते हैं। और इसके आगे की भी जो हर्ष की अवस्था होती है जिसे परम सुख कहते हैं, वो उपदा ही परो हेतु दुख दुख आश्रय पदा, ये चरक शरीर स्थान में है कि दुख दुख आश्रय पदा, जो तृष्णा नाम का रोग है उसको जब हम मिटा देते हैं तो पारमार्थतः हमें सुख मिलने की उसमें अभिवृत्ति होती है। तो सुख के स्टेजेस है, सुख है, हर्ष है, और उसके बाद परम सुख है, आनंद है, जो आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति है। समझ में आ रहा है अब तक? अगेन यहाँ पर धातु शब्द जो है फोर्थ श्लोक में विकारो धातु वैषम्यम, तो धातु शब्द से सभी उन्होंने लिया है धातु, वो वातादयो रसादयश्र तथा रज प्रभृतश्र, सभी के सभी धातु है, जो भी धारण का काम कर रहे हैं तब तक वो धातु है, उनमें विषमता प्राप्त हो गई तो वो विकार को कारणीभूत होते हैं, तब को उन्हें अलग अलग नाम से उन्हें पहचाना जाता है। नहीं तो धातुआ वातादयो रसादयश्र, धातु शब्द यूनिवर्सली अलग अलग अर्थों में यूज किया गया है ना, तो इस श्लोक में उसका अर्थ सभी धातु और वातादि सभी दोष उसमें आश्रित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी की टीका में इतना कुछ अलग नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। एक लास्ट के फोर्थ लाइन में आपको एक नया कुछ सीखने को मिलेगा कि दोष ऐसा भी, एक क्षीण दोष चिकित्सा करके एक किताब है अंधकर शास्त्री की, करीब 300-400 पेजेस का वो बुक है, जिसमें बताया गया है कि व्याधि दोष क्षीण होने की वजह से व्याधियां होती है, अतः क्षीण दोष को भी विकार कर्तृत्व दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए चक्रपाणि का क्लियर कट मत है, और भी दो तीन जगह पर चक्रपाणि ने इस प्रकार लिखा है कि किंच, लास्ट की फिफ्थ लाइन, किंच स्वमान क्षीणा दोषः किंचित विकारम न जनयंती क्षीण लक्षणम वैषम्यम एव परम यान्ति। ठीक है, क्षीण दोष अपने लक्षण को छोड़ देते हैं, अपने जो लक्षण है दोष को छोड़ देते हैं उसे क्षीण दोष कहते हैं। समदोष अपने कर्म को करते हैं, स्वमान से क्षीण दोष कोई विकार नहीं करते, बल्कि क्षीण लक्षण स्वरूपक वैषम्य को ही प्राप्त होते हैं। क्षीण दोष कोई भी विकार को उत्पन्न नहीं करते, केवल वृद्ध दोष ही विकार को उत्पन्न करते, क्षीण दोष केवल अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं, सिर्फ लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, कोई वो प्रकार का वैषम्य होता है, दोषों के लक्षणों में कमी आती है, उस प्रकार का वैषम्य वहां पर अभिप्रेत है। कोई विकार करना दोष दुष्य सम्मूर्छना जनित तो व्याधि, वैसा क्षीण दोष में नहीं होता है, क्षीण दोष की दुष्यों के साथ सम्मूर्छना नहीं होती है, केवल अपने लक्षणों को वो छोड़ देते हैं। वृद्ध दोष जो है वो दुष्यों के साथ मिलकर जो है वो व्याधि सदृश सम्मूर्छना को उत्पन्न करते हैं। इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टाइप करते चले जाइए चैट बॉक्स में, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट इस टीका के थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 6, उसने क्या बताया देखो, श्रुते पर्यवता तत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्षम शौचम इति नियम वैद्य गुण चतुष्टयम्। अभी इसको ध्यान से समझेंगे, श्रुतम आदौ श्रेष्ठ वैद्य गुणत्वात्, श्रुते से श्रेष्ठ वैद्य गुण क्या क्या है वो बताए गए हैं। पर्यवदा तत्वम, पर्यवदा तत्वम इस शब्द की टीका देखिए कितनी खूबसूरत दी गई है, पर्यवदा तत्वम ये श्रेष्ठ गुण चतुष्टय में आता है, जो गुण चतुष्टय है वैद्यों के उसमें पर्यवदा तत्वम है। पर्यवदा तत्वम का अर्थ है विशुद्ध ज्ञानवत्वम, विशुद्ध ज्ञानवत्वम गुरु शास्त्र सेवनादि, गुरु की सेवा करना और शास्त्रादि की सेवन करना ये पर्यावदत्व है, और ये श्रेष्ठ गुणों में दिया गया है। यानी कि देखिए, हेलो समझ में आ रहा है, गुण चतुष्टय दिए गए हैं, उसमें भी क्रम देखिए चरक का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसे पहले नंबर पर दिया जाता है, अमूमन तौर पर ज्यादातर पर्यवदा तत्व पहले नंबर पे दिया है। पर्यवदा तत्व का अर्थ है गुरु शास्त्र सेवनादीनाम, यानी कि आपको यदि सिद्धि चाहिए
इसमें चरक में शारीरिक चरक में यदि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, वैद्य बनने में यदि आपको सिद्ध वैद्य कहलाना है, तो आपको पहले क्रम पर क्या चाहिए? गुरु शास्त्रादि सेवा। गुरु सेवा क्या है ये तो आप जानते हैं, जो कोई आपके गुरु होंगे, फिर वो आध्यात्मिक गुरु होंगे या चरक आयुर्वेद के क्षेत्र में गुरु होंगे, उनकी सेवा करना। गुरु की सेवा किस प्रकार से होती है? सिर्फ उनके पैर छू लेना उसकी सेवा नहीं है, गुरु जो चाहते हैं वो करना, ये गुरु सेवा है। और दूसरा, गुरु का जो मकसद होता है, गुरु का जो ध्येय होता है, उस ध्येय में भी आप जुड़ जाना, ये गुरु की सेवा होती है वास्तव में। और शास्त्र सेवा, शास्त्र सेवा तो हम एक पार्ट कर ही रहे। शास्त्र सेवा मतलब पहले तो शास्त्र को सही से समझना, उसका पारायण करना, उसके अर्थों को ठीक से ग्रहण करना, और जो अनुक्त तंत्र युक्ति से है शास्त्र सेवा मतलब भक्ति से उससे जुड़ना, बहुत सारे लोग जो हमारे मित्र हैं उनको भी शास्त्र में जोड़ना, उनको भी शास्त्र में प्रवृत्त कराना, शास्त्र के सिद्धांतों को लोक जनमानस तक फैलाना, ये शास्त्र सेवा है। और ये सबसे बड़ा वैद्य का गुण है। फिर बाकी ये गुण तो आप जानते ही हैं, अनेक बार औषध के निर्माण एवं प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना, यानी कि बहुशो दृष्ट कर्मता। फिर दाक्ष और शौचम, शौचम इति पवित्रता, और पवित्रता का अन्यत्र उन्होंने अर्थ दिया है कि शारीरिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता, दोनों प्रकार की शुद्धता होना, ये अदृष्ट के द्वारा जो है उपकारक होता है। देखो ग्रंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदृष्ट शब्द बहुत बार आया है, जैसे रस के कर्म क्या है ऐसे बताते हुए रस सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय में लिखा गया है कि अदृष्ट हेतु केन कर्मणः, रस जो है प्रीणन जीवन तर्पण वर्धन आदि जो कर्म करता है वो अदृष्ट हेतु केन कर्मणः, मतलब तो कितना भी लॉजिक लगा लो फिर भी अदृष्ट हेतु केन कर्मणः, यानी कि क्या जो प्रत्यक्ष दिखाई न दे, ऐसे अनेक फैक्टर्स होते हैं, प्रत्यक्ष में अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, बहुत से जो दिखने वाले फैक्टर्स नहीं होते हैं उससे भी बहुत सारी चीजें होती है। इसका मतलब वो चीज यदि हो रही है लेकिन उसका कारण आप लगा नहीं पा रहे हो तो वो चीज वास्तव में नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। बहुत सारी अप्रत्यक्ष चीजें काम करती है, जैसे चरक का भक्ति से पारायण, चरक को हक करना, इससे कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें अलग स्तर पर बदलाव आ रहा है, आनंदमय कोश के स्तर पर, इसके वजह से हमारा विज्ञानमय कोश अच्छा हो रहा है, इसके वजह से मन की भावनाएं शुद्ध हो रही है, इसकी वजह से प्राण जो है वो स्थिर हो रहा है, और प्राण स्थिर होने की वजह से अन्नमय कोश में परिवर्तन आ रहा है, हमारे ऑरा जो चेंज हो रहा है, इर्द गिर्द हमारे ऑरा का प्रभाव हमारे पेशेंट पर पड़ रहा है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस की जा सकती है। ओके, सबसे बड़ा आतुर गुण कौन सा है, कौन बताएगा? बहुत बार हमने डिस्कस किया है आतुर का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, जैसे आज हमने वैद्य का गुण देखा, पर्यवदा तत्वम, गुरु शास्त्रादि सेवन, वैसे यस राइट वेरी नाइस, स्मृति यह सबसे बड़ा गुण है आतुर का। स्मृति क्यों सबसे बड़ा गुण है? तो यदि अगर उसको स्मृति ही नहीं होगी तो वो आपको क्या बताएगा आपके उसके बीमारी के बारे में? उसको स्मरण तो होना चाहिए ना कि मुझे ये लक्षण थे, अब इतने दिनों से ये लक्षण हो रहे थे, फिर ये चेंज आने लग गया, जो भी कुछ उसको लग रहा है वो आपको जब बता पाएगा वो स्मृति के बलबूते पर ही बता पाएगा। इसलिए स्मृति रुग्ण का, वैद्य का सबसे बड़ा गुण है, सॉरी रुग्ण का सबसे बड़ा गुण है। तो आपके पास जब पेशेंट आ जाए, अभी फॉर्मूला दे रहा हो, तो सबसे पहले क्या देना चाहिए उसको स्मृति बढ़ाने के लिए? हेलो, पेशेंट जब आपके पास आ जाए तो सबसे पहले उसे क्या देना चाहिए स्मृति बढ़ाने के लिए? वेरी वंडरफुल, यष्टि तो सही है, क्योंकि यष्टि संधानीय महाकषाय भी जोड़ने का काम करेगी आपको और पेशेंट को, है ना। गुडुचि भी दे सकते हैं, गुडुचि भी मेजर रसायन में है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट इज, वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्राह्मी, ब्राह्मी आप उसको दे सकते हैं। फॉर्मूले अनंत है, फॉर्मूले को कोई, अगर आपने कंसेप्ट समझ में आ गई तो फॉर्मूले अनंत है। च्यवनप्राश की फलश्रुति में पहले दो शब्द क्या है, कौन बताएगा? अगेन वन प्राइज फॉर यू ऑन द काउंट ऑफ 10, 1 2। च्यवनप्राश की फलश्रुति में पहले दो शब्द क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज देख लेना। ओके, मैं बताता नहीं हूँ आपको। स्मृति दा, ये ज्योतिषमती का पर्याय है, वंडरफुल। तो किस लॉजिक से आप उसे दे रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके केस पेपर भी वैसे लिखना चाहिए। यदि आपको हरित की भय मिटाने के लिए देना है पेशेंट के, तो आप अभया लिखोगे। अगर आपको ज्योतिषमती उसकी स्मृति बढ़ाने के लिए दे रहे हो तो स्मृति दा इस एंगल से देखो लिखोगे। आपकी सोच जो है वो उस द्रव्य में प्रवृत्त होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शायद ये सही लगे गलत लगे आई डोंट नो,
बट दैट हैपन्स, किस सोच से आप उसको दे रहे हो, क्योंकि हमारे जो ड्रग्स है वो बहुत वर्सेटाइल है, एक ही ड्रग अलग अलग स्वरूप में काम करता है, लेकिन आप जिस सोच के साथ उसे देखते हो, जिस भावना के साथ उसे देते हो, उस तरीके से वो ड्रग हमारे शरीर में काम करने लग जाता है। दैट इज द फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इन आयुर्वेद। इट इज क्वाइट डिफरेंट देन द फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स मेंशन इन एलोपैथी। ओके, बहुत सारे द्रव्य हमारे पास आएंगे। ओके, हर एक द्रव्य अपनी अपनी जगह पर सही है। किसी ने बताया रेडमी आपका नाम क्या है, आप बहुत सही और अच्छा उत्तर दे रहे हो। प्लीज चेंज योर नेम और टाइप इन द चैट बॉक्स। मेधा स्मृति है च्यवनप्राश की फलश्रुति में पहले दो नंबर पर है। अगेन च्यवनप्राश नहीं होता है, अभी फिर से ध्यान में आ गया ऐसे बता दू, च्यवनप्राश होता है। न पे आपको रुकना है और उसको स्ट्रेस देना है। जब भी प्र आता है पहले या इस प्रकार का कोई आता है तो उसके पहले का जो रहता है वहां पर रुक कर उसको स्ट्रेस देना होता है, च्यवनप्राश। ओके, च्यवनप्राश इस प्रकार से। ओके, दीपिका मैम ने आंसर बताया था मेधा स्मृति का, वेरी नाइस, लेकिन आपने लेट बताया इसलिए आपको प्राइज नहीं मिलेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने स्मृति देखा, फिर निर्देश रुग्णों के गुण देख रहे हैं हम। स्मृति निर्देश कारित्व, यानी कि आप जो बोले उसे सुनना चाहिए। कब वो सुनेगा आपका, ये जब आप फॉलो कर रहे हो आचार रसायन को, जब आप फॉलो कर रहे हो सद्वृत्त को, तो रुग्ण आपकी सुनता है। निर्देश कारित्व, अभिरुत्वम, अभिरुत्वम यानी क्या, भिरुत्वस्य रोग कर्तृत्वाद यद उक्तम विषादो रोग वर्धनाना। चक्रवाणी टीका में बहुत सुंदर दिया है कि विषादो रोग वर्धनाना में से अन्यत्र कहा गया है विषाद ये रोग वर्धन का हेतु है, इसलिए अभिरुत्व चाहिए पेशेंट में। जब आप पेशेंट आपके पास आता है तो ज्यादा करके वो डर कर आता है, तो ये आपका कर्तव्य है कि पहले 10-15 मिनट आप उसको सांत्वना दो, आश्वासन चिकित्सा दो। मैंने बीच में आपको बताया भी था कि कोई अम्ल द्रव्य, नींबू का शरबत, पेशेंट आते ही पहले आप उसको गर्म गर्म नींबू का शरबत पिला दीजिए, उसको स्थिर होने दीजिए, क्योंकि अम्लम रुद्यानाम है और उदकम आश्वासकरणाम है। उसको एक बार स्थिर हो जाए, उसको पहले बोलिए कि आप यहाँ तक आए हो तो किसी ना किसी वजह से आए हो, कोई निमित्त की वजह से आए हो, तो आप पहले तो रिलैक्स हो जाए। उसका रज और तम गुण जो बढ़ा हुआ है, जो अरति है, जो अज्ञान है, जो भय है, उसको मिटाने की आप कोशिश करिए पहले तो उदक के माध्यम से, अम्ल रस के माध्यम से, और आपके सद्वृत्त और आचार रसायन के माध्यम से आए हुए पावर की वजह से आप ये करने में समर्थ हो जाओगे। एक बार वो स्थिर हो जाएगा तो वो आपको बिल्कुल सही लक्षण बताने पाएगा। ऐसा आपको करना ही नहीं कि पेशेंट आ गया, बैठ गया, हाँ बताइए क्या होता है। दिस इज नॉट आयुर्वेद, दिस इज एलोपैथी। पेशेंट आए, उसको आश्वस्त करना, उसके पीठ पे से हाथ घुमाना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप सही जगह पर आए हो, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का स्थैर्य उसमें लाने के बाद ही आपको क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन थे उसमें प्रवृत्त होना है। इस टीका में और भी बहुत अच्छा दिया है कि स्मृति जैसे वैद्य का, सॉरी, स्मृति जैसे आतुर का गुण है, वैसे अस्मृति भी कहीं कहीं पर यूज किया गया है। इसकी टीका वैसे आप पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आए तो बताना कि अस्मृति किस प्रकार से यूज की गई है। जैसे उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि उन्माद में सर्प के दांत निकालकर उससे दंश कराया जाता है त्रासन चिकित्सा करके, लेकिन वैद्य यदि डरपोक ही नहीं हो तो वो त्रासन चिकित्सा का कोई वहां पर यूज नहीं होगा, तो वहां पर उसका भीरु गुण भी जरूरी है कहीं कहीं पर। इस प्रकार से वो एक उदाहरण दिया है ज्वर का, वो आप पढ़ लीजिएगा। श्लोक नंबर 10, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं इसका जिक्र करता हूँ। प्रधानम अत्र विषकम विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम विषकत्व। सभी में प्रधान कौन है, वैद्य प्रधान है। वैद्य जब प्रधान हो जाएगा तभी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में होना शुरू हो जाएगा। आज हम औषधि पर निर्भर है, आज हम बाकी क्या क्या चल रहा है आयुर्वेद क्षेत्र में, वो हमारे बल के लिए, बलवर्धन के लिए सही है या गलत है, उसके ऊपर हम निर्भर है। तो हमें द्रव्य के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है वो हमें धीरे धीरे कम करना है और खुद की लेवल बढ़ानी है। गुरु शास्त्र आदि सेवा कर खुद की लेवल बढ़ाने से आप आपके बलबूते पर कम से कम द्रव्य में एक पेशेंट को हील कर सकते हो। ऐसे पुराने वैद्य हुआ करते थे कि वो बिल्कुल द्रव्य को आदेश देते थे, या बिल्कुल सिर्फ नाड़ी हाथ देखने मात्र से उनके जो रुग्ण है वो ठीक हुआ करते थे। वो क्यों आता है, तो वो शास्त्र सेवा से आता है, गुरु सेवा से इतना बल हमें प्राप्त होता है। हालांकि हमें अपनी प्रज्ञा को नहीं खोना है, हमें कोई बाबा नहीं बनना है यहाँ पर। प्रज्ञा से, विशुद्ध प्रज्ञा से, यानी कि शास्त्र सेवा से, गुरु सेवा से हमें ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसा चरक वचन है। नाउ श्लोक नंबर 24, इन द इंटरिम अगर आपको कुछ
क्वेश्चन डाउट्स आते हैं तो आप चैट बॉक्स पे टाइप करते चले जाइए, इफ पॉसिबल मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, अन्यथा ग्रुप तो ओपन ही रहेगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। श्लोक नंबर 24 इज देयर शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम बिशप सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा न अपराधयति। इसका सरल अर्थ है वस्तुओं के प्रकाश के लिए शास्त्राभ्यास कृता मति ज्योति की तरह होती है, वस्तुओं के प्रकाश के लिए ग्रहण योग्य होने के लिए शास्त्राभ्यास कृता मति जो कि हम अभी ग्रहण कर रहे हैं वह ज्योति की तरह है, और स्वयं की सहजा बुद्धि शुद्ध बुद्धि जो है वो नेत्र की तरह है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, शास्त्र पढ़ने से हमें एक बुद्धि प्राप्त होगी, वो जो मति होगी वो ज्योति की तरह है। मान लीजिए ज्योति या लाइट ट्यूबलाइट की तरह है, उसमें से आपको चीजें दिखेंगी, लेकिन जो शुद्ध बुद्धि है आपकी सहजा बुद्धि जो है वो नेत्र की तरह है। मतलब बाहर से लाइट चालू भी है लेकिन आपके नेत्र बंद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको दोनों चाहिए, बाहर से ट्यूबलाइट की भी रोशनी चाहिए और अंदर की भी आंखों की भी रोशनी चाहिए, दोनों होंगे तो ही आपको सही से दिखेगा। ठीक उसी तरीके से आपको शास्त्र ज्ञान भी चाहिए जो ट्यूबलाइट की तरह है, लेकिन आपकी विशुद्ध बुद्धि भी चाहिए। तो विशुद्ध बुद्धि कैसे आएगी? विशुद्ध आचरण से आएगी। मैं बार बार बताता हूँ, अगेन इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आचार रसायन। रस वही सहा, रस मतलब आत्मा, अयन मतलब मार्ग। यदि आपकी आत्मा अंदर से शुद्ध होगी तो अपने आप उसका इम्पैक्ट विज्ञानमय कोष पे गिरेगा और विज्ञानमय कोष लाइट दिखने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आनंदमय कोष ये सूरज है, तो यदि ये सूरज एक्टिवेट हो जाए तो उसकी रोशनी विज्ञानमय कोष पे गिरेगी, मनोमय कोष पे गिरेगी, प्राणमय कोष पे गिरेगी और अन्नमय कोष पे गिरेगी। लेकिन यदि ये सूर्य आवृत है आपके अज्ञान से और आपके अहंकार से, यदि वो आवृत है तो इसकी रोशनी होते हुए भी कहीं पर भी नहीं दिखेगी। तो आचार रसायन और सद्वृत्त क्या करता है, धीरे धीरे इस आवरण को, रज और तम को कम करना कम कर देता है, और इसका जो प्रकाश है, इसका जो आलोक है, आपके अंतर चक्षु का जो आलोक है, वो अपने आप विज्ञानमय कोष पे दिखना गिरना शुरू हो जाता है, आपकी बुद्धि एनलाइटन हो जाती है। तो बुद्धि जागृत करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत बुद्धि अगर आपको बढ़ानी है तो मूलभूत है आचार रसायन और सद्वृत्त। फिर से देखिए चक्रपाणि टीका में, यद्यपि बुद्धिर आत्मन एव भवति तथापि आत्मन इति अनेन सहजां बुद्धिं दर्शयति यतः सहजां बुद्धिं विना शास्त्रजा बुद्धिर्या वैना इति अभिधीयते। सहजा बुद्धि के बिना यदि शास्त्रजा बुद्धि हो भी तो उसे वैनायक की बुद्धि कहते हैं, और ये वैनायक की बुद्धि न सम्यक चिकित्सां समर्था भवति, उससे सम्यक चिकित्सा नहीं हो सकती। कितने भी आप ट्यूबलाइट्स लगा दो, कितनी भी रोशनी कर दो, कितने भी फ्लैश लाइट्स लगा दो, लेकिन यदि आपके नेत्रों में ही ताकत नहीं है, यदि आप आंखों से अंधे हो तो आप उस कुछ भी नहीं दे सकते। ये सिर्फ वैनायक की बुद्धि होगी या आप सिर्फ पंडित कहलाओगे। यदि आपने सिर्फ शास्त्र का अभ्यास कर लिया, पूरी तरीके से पंडित बन गए, पूरी तरीके से चक्रपाणी को रट लिया, लेकिन अंदर की बुद्धि जागृत नहीं हुई, अंदर का कॉन्शियसनेस आलोकित नहीं हुआ, अंदर से आचार रसायन का प्रकटीकरण नहीं हुआ, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे या जो भी देखोगे वो मिथ्या देखोगे। ओके, सो सहजान बुद्धिम बिना शास्त्रजा बुद्धि, बिना सहज बुद्धि के जो शास्त्रजा बुद्धि है सा वैनायिकी अभिधीयते, सा न सम्यक चिकित्सा समर्था भवति इति, वो सम्यक चिकित्सा कर ही नहीं सकती। फिर आगे ब्राह्मी बुद्धि मैंने बताया था आपको, किसी ने उत्तर दिया बाद में दिया लेकिन सही उत्तर दिया। ब्राह्मी बुद्धि किसे कहा गया है? तो जो वैद्य वृत्ति है उसी को ही ब्राह्मी बुद्धि कहा गया है। कहाँ पर आया है ब्राह्मी बुद्धि शब्द? तो लास्ट के श्लोकों में। कभी भी हमें ये आदत लगानी है, एलोपैथी में या अन्य साइंसेस में इंडेक्स पहले होता है, आयुर्वेद में इंडेक्स, चरक में इंडेक्स बाद में होता है। क्या क्या दिया गया है वो ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका होता है तत्र श्लोकों पढ़ने का, यानी कि लास्ट में वो इंडेक्स बनाकर समराइज कर देते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या दिया है। तो इस अध्याय में क्या क्या दिया है? बिशप जितम चतुष्पादम पाद पादश चतुर्गुणा बिशप प्रधानम पादेभ्यो यस्मात् वैद्यस् वैद्यस्तु यद् गुणा ज्ञानानि बुद्धिर ब्राह्मी च भिषजाम या चतुर्विदा। पहले अध्याय में कई बार भी ऐसा शब्द नहीं आया है, लेकिन इंडेक्स पढ़ते हुए, पीछे से पढ़ते हुए कुछ कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है ज्ञानानि बुद्धिर ब्राह्मी च भिषजाम या चतुर्विदा। ब्राह्मी बुद्धि नाम से कुछ होता है, तो ब्राह्मी बुद्धि क्या है? ये चक्रपाणि बोलते हैं टीका में, संग्रहे ब्राह्मी बुद्धि चतुर्विधा मैत्री कारुण्यादिका, मैत्री और करुणा और शक्ति प्रतिरूपेक्षण प्रकृतिस्तेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा, ये जो चार वृत्तियां बताई है वही ब्राह्मी बुद्धि है। फिर से देखेंगे क्या क्या आता है ब्राह्मी बुद्धि में। मैत्री, करुणा, साध्य रोगों में प्रीति यानी कि साध्य रोगों को ट्रीट करने की इच्छा होना, प्रेम पूर्वक ट्रीट करने की इच्छा होना। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा तथा प्रकृतिस्थ यानी कि मरण के समीप गए हुए प्राणियों में
रोगियों में उपेक्षा का भाव रखना। उपेक्षा का भाव मतलब क्या, उप मतलब पास, इच्छा मतलब देखना, पास से देखना, ऑब्जर्व करना, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्व करना। जो असाध्य रुग्ण है उसको आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी चिकित्सा नहीं करना है, अन्यथा यशो हानि की संभावना होती है, ऐसा चक्रपाणी ने लास्ट टीका में लास्ट लाइन में लिखा है। न तत्र भेषजा दानादि कर्तव्य यशो हान्यादि भयात्। यशो हानि होने की भय की वजह से आपको असाध्य रोगों में प्रवृत्ति नहीं करनी है, उसमें उपेक्षा भाव रखना है, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें प्रवृत्ति नहीं करनी है। लेकिन बाकी के रुग्णों में आपको क्या क्या करना है, मैत्री भाव रखना है। मैत्री का अर्थ बहुत सुंदर दिया है, सर्व प्राणेशु आत्मनिम इव बुद्धि ही। अगेन बुद्धि, चक्रपाणी की ही टीका है, यहाँ पर नहीं है शायद, अन्यत्र है पहले अध्याय में। मैत्री का अर्थ क्या दिया है, सर्व प्राणीशु आत्मनिम इव बुद्धि, यानी कि बुद्धि है, मैत्री भी एक प्रकार की बुद्धि है, क्षमा ये बुद्धि है, दया ये बुद्धि है, ये ज्ञान है। इसलिए आपको हर दम हर क्षण छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक, छोटे से छोटे चोर से लेकर बड़े से बड़े आतंकवादी तक, हर एक के लिए आपको आत्मनिम इव बुद्धि, जो मेरे लिए सोचता हूँ, जैसे मेरे मुझे मेरे लिए प्रेम है, वैसा ही प्रेम हर एक के लिए हो। अभी आप बोलोगे आतंकवादी के लिए कौन सा प्रेम होना चाहिए, तो आतंकवादी के लिए, आतंकवाद के लिए आपको द्वेष हो सकता है, लेकिन आतंकवादी के लिए यानी कि उसकी वृत्ति के लिए आपको द्वेष हो सकता है, लेकिन एज अ पर्सन उसे हमें द्वेष नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आतंकवादी को मारना नहीं है, आदि सब चीजें उसको मारना है, वो आपका धर्म है, लेकिन द्वेष भाव से नहीं, आप कर्तव्य पालन से उसे मारना है। द्वेष करना ये आयुर्वेद सिखाता ही नहीं है, कोई भी धर्म शास्त्र ये द्वेष करना सिखाता ही नहीं है, मैत्री ही सिखाता है। और आज जैन आगम का पर्युषण पर्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, जैन आगम का भी सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत ही मैत्री भाव है, क्षमा भाव है। ओके, तो हमें ये क्षमा भाव स्वयं में लाना है, हर किसी के लिए हमें आर्द्रता करुणा महसूस होनी चाहिए, छोटे से छोटे जीव को भी हमें बचाने की कोशिश करना चाहिए, जहां जहां पर पॉसिबल है वो मैत्री भाव यदि हम लाएंगे तो मैत्री हमारी वृत्ति बन जाएगी। और जिस दिन मैत्री वृत्ति बन जाती है, वैसे पेशेंट अपने आप आपके पास आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, या कम से कम शब्दों से आपके वो प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, ये मैत्री वृत्ति है। फिर करुणा, ये भी वैद्य वृत्ति है, उसका अर्थ क्या होता है करुणा का, पर दुख प्रहाण इच्छा, पर दुख प्रहाण इच्छा, बहुत ही सुंदर अर्थ है, दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा, ये करुणा का अर्थ है। इतने उत्कट ताट से वो अर्थ होना चाहिए, पेशेंट आपके पास एक सादी सी सिम्टम लेकर आता है, लेकिन आपको उसके दूसरे भी हेतु दिखने लग जाते हैं, दूसरे भी लक्षण आपको दिखने हो जाते हैं, और अंदर से आपकी आवाज आती है कि नहीं, मुझे इसका इस लेवल तक का दुख दूर करना है। शायद उस पेशेंट को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये हेतु उसको इस लेवल पर लेके जाएंगे, आगे उसके इस दुख को कारणीभूत होंगे, और मैं उसका ये दुख नहीं देख सकता हूँ, इस प्रकार की भावना में लाना, ये वैद्य वृत्ति है। आप सोचोगे मैं क्या बाबा की तरह बोल रहा हूँ, या शायद ये चीजें मैंने सिद्ध कर ली है क्या क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें मैंने सिद्ध की हुई नहीं है, और ना ही मैं कोई बाबा हूँ, लेकिन ये चीजें हमें धीरे धीरे बढ़ानी है, धीरे धीरे। हर एक का स्केल है, मैत्री करुणा इन सब का स्केल है, 0 से लेकर 10 तक। अभी शायद मैं 4 लेवल पे होगा, आप में से कुछ लोग 3 लेवल पे होंगे, कुछ लोग 8 लेवल पे होंगे, तो धीरे धीरे हमें उसे बढ़ाते चले जाना है इन वृत्तियों को, बाकी तो हम सीख ही रहे हैं। ओके बंड, अब तक कुछ डाउट है, हमें सिद्धि के उस लेवल पर जाना है, ये हमारा प्रण है, इसीलिए तो ये कोर्स किया गया है, नहीं तो सिर्फ चरक का अध्ययन करते थे, लेकिन क्यों उसमें अकाउंटेबिलिटी ग्रुप है, क्यों उसमें आचार रसायन सद्वृत्त पर इतना फोकस है, उसके पीछे कोई रीजंस है। ओके, सहजा बुद्धि मतलब जो बुद्धि आपको दी हुई है भगवान ने, इनबिल्ट जो बुद्धि है, दैट इज सहजा बुद्धि। और वो इनबिल्ट बुद्धि जो है वो आवरण से, रज और तम की वजह से आवृत है, वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाती है। जैसे मैंने बताया, उस इनबिल्ट बुद्धि को व्यक्त करने के 2 साधन है, एक है आचार रसायन और दूसरा है विशुद्ध प्रज्ञा, निरंतर पढ़ते रहना, अध्ययन करते रहना, इससे वो सहजा बुद्धि अभिव्यक्त होती है। अभी एक बार चरक को हक करते हुए आज हमने जो पढ़ा है इंपॉर्टेंट, उसको फील करेंगे अलग लिरिक्स के माध्यम से, भाव वही रहेगा लेकिन लिरिक्स कुछ अलग रहेंगे। एक बार फील करते हैं 2 से 3 मिनट तक के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आंखें बंद, प्राण मुद्रा में चरक को, आप चरक संहिता को आपके पास लेते हुए बस लिरिक्स को फील करना है।
चरक है वो दी। चरक है वो मधुबन। सांस करूं अब है हर मन तुझसे कोई रूह का बंधन है। पतझड़ में भी ना मुरझाए मिल गया मुझे वो मधुबन है। एहसास करूं अब यही हर पल तुझसे कोई रूह का बंधन है। जिस दिन ये रूह का बंधन सिर्फ समझेंगे नहीं, अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन से असली चिकित्सा शुरू होगी। ओके, सोनाली मैम ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि शीन दोष से व्याधि नहीं होते। इट्स अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, जिसको उसमें पढ़ना है, उसमें शीन दोष व्याधि चिकित्सा करके बुक पढ़नी है अंधनकर शास्त्री की। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इस स्टेज पे उस बुक को मत पढ़िए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दिए हुए उसमें। शीन दोष के लक्षण जरूर दिखते हैं लेकिन उसमें व्याधि कर्तृत्व नहीं है। चरक सूत्र 17 में जो शीन दोष से उत्पन्न संसर्ग संनिपात बताए वो एट द लेवल ऑफ सिर्फ दोषों के लेवल पर है। दोष दुष्य सम्मूर्छना जनित जो लक्षण है व्याधि स्वरूप, जिसको व्याधि कर्तृत्व कहा जाएगा, वैसा व्याधि कर्तृत्व उसमें नहीं है। इसका मतलब उससे लक्षण नहीं मिलते या उसकी चिकित्सा नहीं करनी, ऐसा नहीं है। शीन दोष के लक्षण दिखते हैं वातक्षय के, पित्तक्षय के, कफक्षय के दिए हुए लक्षण, पीतम क्षीणे मंदो अनलहा शीतम प्रवाहानी, इस प्रकार से तो मंदाग्नि होगा, जो जो लक्षण दिखेंगे उसकी चिकित्सा हमें करनी है। लेकिन व्याधि कर्तृत्व उसमें उतना नहीं है, इसलिए उसमें उतना बल नहीं होगा जितना दोष वृद्धि जन्य व्याधि में। इसलिए संपूर्ण चरक संहिता में दोष वृद्धि जन्य व्याधियों की ही चिकित्सा बताई गई है। दोष वृद्धि को सामने रखकर ही दोष दुष्य सम्मूर्छना आदि बताए गए हैं। धर्माधिकारी सर का भी क्षीण वृद्धि क्षीण दोष चिकित्सा इस पुस्तक में धर्माधिकारी सर का एक लेक्चर है, एक लेख है जो कि बहुत खूबसूरत है। अगेन इट इज इन मराठी, तो मेरे पास वो बुक फिलहाल तो नहीं है, किसी के पास होगा तो वो शेयर कर सकता है और कोई उसको ट्रांसलेट करके आपको दे सकता है। स्टिल आई विल रिकमेंड यू डोंट, आप उसमें मत पढ़िए फिलहाल, जितना है उतना ही ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ओके, वात दोष कैसे क्षीण होता है? तो वात दोष जो स्थूल वात दोष है, वायु और आकाश महाभूत से बना हुआ दोष है, वो वात दोष क्षीण होता है। जो प्राण स्वरूपक वायु है जो पंच महाभूतों से परे है, उसका क्षीण, वो क्षीण कभी हो ही नहीं सकता। यदि वो क्षीण हो जाए, यानी कि प्राण उदान व्यान समान अपान, इन पांचों को प्राण कहा गया है, ये पंच वायु यदि क्षीण हो जाए तो आदमी जो है वो मृत्यु को पा लेगा। या आईसीयू की जैसी कंडीशन कब होती है? जब ये पांचों वायु क्षीण होने लग जाते हैं, जब वो दूर होने की कोशिश करते हैं, उस समय ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती है। जो स्थूल पांच भौतिक वायु है उसमें क्षीण और वृद्धि आपके आहार विहार से हो सकती है। ओके, आई थिंक मेनी थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, आज इस अध्याय को फिर से पढ़िए, चक्रपाणि टीका पढ़िए और क्वेश्चंस पूछिए। विशुद्ध प्रज्ञा पढ़ने से, पारायण से आएगी और आचार रसायन स्वस्थ वृत्त से आपकी अंदर की सहजा बुद्धि विकसित होगी। यही इस कोर्स का मकसद है और यही सही चिकित्सक के गुण है। पूर्वते ये तो वृत्त्यर्थम चिकित्सा पन्न्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशि पांशु राशि उपासते। सिर्फ अपनी वृत्ति चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए भगवान चरक या आयुर्वेद है ही नहीं, इसका मकसद ही कुछ और है। खुद भी मोक्ष में जाना, दूसरे को भी मोक्ष में लेके जाना, खुद के भी धातु साम्य प्रस्थापित करना और दूसरे का भी धातु साम्य प्रस्थापित करना, यही विशुद्ध चिकित्सा है और यही प्रधानम अत्र विशक का कर्तव्य है।
क्षीण दोष व्याधि चिकित्सा अंधनकर शास्त्री की किताब है, उसमें धर्माधिकारी सर का एंड एंड में एक लेख है। मेरे पास शायद ये बुक नहीं अभी, अगर होगी तो ढूंढ के मैं आपको आर्टिकल भेजने की कोशिश करूंगा। ओके देन, इट वॉज लवली टू बी विथ यू ऑल एंड होप यू हैव गॉट द अनुक्त अर्थस फ्रॉम मी, और अनुक्त जो जो चीजें आपने समझी है इस अध्याय से उस पर अमल करने की हम कोशिश करेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड रीड द अध्याय एंड वी शैल बी प्रिपेयर्ड अगेन फॉर चरक सूत्र स्पैन 10 टुमारो। ओके, ग्रेट, वंडरफुल।